तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप जो ES नाम का लोगो YouTube चैनल का लोगो बना के दिखाओ, तो ये जो वीडियो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ। तो अगर आपको अपने YouTube चैनल का लोगो बनाना सीखना है तो आप जो इस वीडियो के साथ बने रहो। कैसे बनाना है सारा चीज़ मैं आपको जो इस वीडियो में करके दिखाऊंगा, बना के भी दिखाऊंगा लोगों को कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों उस लोगो को बनाने में यूज करूंगा पिक्सेल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्सेल एप्लीकेशन ये रहा, चलिए इस पर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, यहाँ पे भी आपको कैंसिल कर देना है। इतना काम कर लेना आपको, यहाँ पे अपने जो न्यू टेस्ट दिखाई दे रहा है उसको आपको साइड में रखना है। अभी आपको प्लस के आइकन क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके यहाँ पे जो अपना एक शेप ले लोगे कुछ इस तरीके से। लेने के बाद अभी आपको जो इस छोटे से डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो सर्कल वाला शेप उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दिखाने के लिए मार्जिन मैंने इस कलर को यहाँ पे रखा और इसका साइज कुछ इस तरीके थोड़ा सा बड़ा रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ऊपर जो राइट का ऑप्शन वहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, तो मेरा कुछ इस तरीके एक सर्कल से पा चुका है। अभी आपको यहाँ पे करने का, अभी आपने जो न्यू टेस्ट लिखा हुआ है इसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको डबल टाइप करना है और यहाँ पे आपको जो कुछ भी लिखा गया उसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी नाम से आपको बनाना है, तो मैं आपको यहाँ पे जो इस वीडियो में ES नाम से बनाना सिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ES लिखता हूँ। चलिए तो मैंने यहाँ पे ES लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो डन करके यहाँ पे ओके किया, तो मेरा जो ES नाम से यहाँ एक टेस्ट आ चुका है। और अभी आपको इस टेस्ट को सिलेक्ट करके एक ही ऑप्शन क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टू फ्रंट का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे आप इस जो टेक्स्ट आपका फ्रंट में आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, अभी आपको दोस्तों यहाँ पे चले जाना अपने इस फॉन्ट के ऑप्शन पे। जाने के बाद अभी आप यहाँ पे जो भी फॉन्ट को आपको पसंद है, जो भी आपको फॉन्ट पसंद है यहाँ पे आप वो फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो एग्जांपल दिखाने के लिए जैसे मान लीजिए मैंने इस फॉन्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया, नीचे ओके का ऑप्शन क्लिक कर दे रहा हूँ, मेरा ये टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अभी आपको अपने जो टेक्स्ट है आपका साइज कुछ इस तरीके से आपको बढ़ाना है, अपने टेक्स्ट का कुछ इस तरीके साइज बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो कलर का ऑप्शन मिलेगा आपको उस कलर के ऑप्शन पे जाना है। तो ये रहा मेरा कलर का ऑप्शन, चलिए यहाँ पे क्लिक करके कलर के ऑप्शन पे आते हैं। आने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो है अपने कलर में इस यानी कि जो अपने टेक्स्ट लिया हुआ है उसमें आपको जो भी कलर पसंद है आप वो कलर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने इस कलर को यहाँ पे रखा, उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो राइट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। अभी आपको अपना जो शेप वाला है सर्कल वाला शेप है आपको उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको नीचे थोड़ा ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे आपको एक कॉपी लेना है। लेने के बाद आपको यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे आना है और आपने जो पहला वाला शेप लिया था उससे थोड़ा सा बड़ा अपने इस शेप का साइज आपको कुछ इस तरीके से करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो अपने टेक्स्ट में कलर दिया हुआ है आपने वही कलर आपको जो इस शेप में भी रखना है। तो यहाँ पे चलिए मैं उस कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर, उसके बाद मैं यहाँ पे जो ऊपर जो राइट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो मेरा जो कलर आपने देख सकते हो यहाँ पे मेरे उस सर्कल वाले शेप में आ चुका है। अभी आपको यहाँ पे करना क्या दोस्तों, अभी आपका जो टेक्स्ट है इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट करना है, उसके बाद आपका जो सर्कल वाला शेप इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे आना है और आपका जो सर्कल वाला शेप है ऊपर वाला उसको आपको सबसे नीचे रख देना है कुछ इस तरीके से। रखने के बाद आपको वापस से जो लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अभी ये करना है आपको जो शेप है बड़ा वाला यानी सर्कल वाला बड़ा शेप उसका साइज आपको थोड़ा सा छोटा करना है। तो पहले तो चलिए जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं लॉक कर दे रहा हूँ ताकि मुझे एडिट करने में यहाँ पर परेशानी ना हो। तो यहाँ मैं लेयर के ऑप्शन जाता हूँ और यहाँ पे ES वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं क्लिक करके लॉक कर देता हूँ। वापस से मैं जो यहाँ पे लेयर के ऑप्शन क्लिक कर दे रहा हूँ, मैं बड़े वाले सर्कल को अभी सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे मैं कुछ इस तरह यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे सेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह सेट कर लिया हुआ है। सेट करने के बाद दोस्तों वापस से आपको जो लेयर के ऑप्शन क्लिक करना है, आपको तीनों लेयर के नीचे जो छोटा सा सर्कल है इस पर क्लिक करके तीनों लेयर को एक साथ सेलेक्ट करना है। नीचे थर्ड ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देना है, तीनों लेयर आपका एक साथ हो जाएगा। अभी आपको वापस से जो लेयर के ऑप्शन क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको चले आना है अपने स्ट्रोक के ऑप्शन पे। आने बाद इसको इनेबल करना है, यहाँ पे आपको जो व्हाइट कलर का एक स्ट्रोक रखना है। वापस से आपको जो ऊपर राइट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखो दोस्तों आपका जो लोगो डिजाइन बिल्कुल आसान तरीके से बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो आप इस तरीके से अपने जो ES नाम का एक यूट्यूब चैनल का लोगो बना सकते हो। यहाँ पे आप चाहे तो स्ट्रोक कलर चेंज भी कर सकते हो, आपके ऊपर है जो भी कलर आपको पसंद है आप वो कलर यहाँ पे दे सकते हो। इतना काम करना है दोस्तों, इतना करते ही आपको जो एक ES नाम का एक यूट्यूब चैनल का लोगो बन के तैयार हो जाएगा। तो जाइए दोस्तों अभी बनाए इस तरह लोगो डिजाइन। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखो ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।